प्राइस भी तो कम नहीं है ना भाई, 4000 रुपये का शूज़ है, 2-3 राइड करते ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा भाई। पूरा ब्लैक है शूज़ है ना वो, नहीं करने लाया सा आस्ते से जाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तवांग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैगर उदम। और अभी हम लोग जिस होटल में, होटल का छत पे आ चुके हैं थोड़ा बहुत व्यू वगैरह देखने के लिए, और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पे मेरे सामने है तवांग मोनेस्ट्री, बहुत ही बढ़िया सा व्यू है। ऊपर ये सब पहाड़ों में थोड़ा बहुत स्नो दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी स्नो नहीं है। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ जम गया, मतलब ये क्या बन रहा है भाई? मैगी बन रहा है। यस। अच्छा बनेगा ना? एकदम मस्त। पानी ज्यादा हो गया शायद। मेरा स्लज फ्राई हो गया। ठीक है। सो ये कुछ है हमारा रूम, नीचे से नहीं दिखाऊंगा, ऊपर ऊपर से देख लीजिए आप लोग, देखिए कितना गंदा हो रखा है। ये पे हीटर भी चालू है अभी। सो अभी मैगी वगैरह खाते, कॉफ़ी वगैरह पीते, उसके बाद ऐसे निकल जाएंगे। A few moments later. हम लोग रेडी है, बस अभी निकल रहे हैं, चलो लेट्स गो। ये है और आजू का बूट, इसका हालत देखिए अभी, कल भी दिखाया था और आज भी एक बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है और आजू बूट्स, ये है मेरा लेफ्ट साइड का और ये है राइट साइड का। देखिए कोई बोलेगा ये खराब होने के लिए है, ये शूज़ देखिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और ये देखिए क्या हो गया, ऐसा क्वालिटी है, मतलब 3-4 राइड किया था मैंने, इससे ज़्यादा भी राइड नहीं किया, फिर भी देखिए क्वालिटी देखिए गाइस। आप लोग अगर औराजू में जा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा देख के संभल के रिव्यू वगैरह चेक करके बाद में लेना। प्राइस भी तो कम नहीं है ना भाई, 4000 रुपये का शूज़ है, 2-3 राइड करते ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा भाई, ऐसा तो पैर में नहीं लगता है ना। आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कीजिएगा और आजू को, ताकि उनको भी पता चले कि क्या घटिया क्वालिटी का चीज़ बनाते हैं। अभी मैं इस शूज़ को थोड़ा, मतलब इससे चिपकाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कुछ रस्सी से ऐसे, लेकिन मेरे पास गम भी नहीं है, फेविक्विक भी नहीं, फेविक्विक होने से भी यहाँ पे फेविक्विक नहीं चिपका चिपकेगा, क्योंकि ये थोड़ा धूल हो चुका है ना, कल से हो गया मेरा ये सब। कल सेला आते समय देखा मैंने, अरे ये क्या हो गया, ये पूरा ठीक है लेकिन ये तो एकदम घटिया क्वालिटी का चीज़ है। ब्रो चलते बाइक काफ़ी ठीक है भाई, एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया इतना ठंड में। यहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप बन रहा है तो बहुत अच्छा होगा, तो फिर तवांग में 2 पेट्रोल पंप हो जाएगा। देख हम लोगों ने 426 किलोमीटर चलाया, अभी मतलब पूरा डाउन की ही तरफ जाना है। कल इसी रास्ते से आया था, मतलब राइट साइड में पाइन ट्री, बहुत ठंड है भाई जगह में, और पाइन ट्री के जो राइट में साइड में पानी होता है ना, बहुत ज़्यादा फिसलन वाला होता है, तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। देखिए मतलब कैसा लग रहा है,
आगे आएगा जांग वाटरफॉल, यहाँ से 25 किलोमीटर है, सो जांग वाटरफॉल देख के चले जाएंगे सेला पास में। सो हम लोग तावांग से बहुत नीचे आ चुके हैं, 10 किलोमीटर नीचे, 10-15 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पे एक वाटरफॉल है छोटा सा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो देखिए वाटरफॉल, लेकिन पानी इतना साफ नहीं है क्योंकि उधर काम चल रहा है शायद, ऊपर छोटा सा वाटरफॉल है। तेजपुर बोमडेला 168, पैसा अभी देना पड़ेगा ना, बाद में देने होगा। वाटरफॉल देखने के लिए भी पैसा चाहिए भाई, नेचुरल चीज है। 160 40 करके, मतलब वाटरफॉल तो मतलब नीचे जाना पड़ेगा ना, वर्क करके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं जो लिफ्ट बना के रखा है। पीछे एक काउंटर दिखा था तभी मुझे लगा कि टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन हम 2021 में जब आया था तब टिकट्स वगैरह नहीं था। ओ गॉड, क्या व्यू है भाई, यहाँ से तो एक व्यू बनता है, यहाँ से एक व्यू लेते और आगे से जाके नीचे जाएंगे आज। कितना बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जांग वाटरफॉल या नूरानांग वाटरफॉल देखने के लिए, अभी ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं अभी, बाइक छोड़ दिया, हेलमेट ले लिया साथ में, और रोड पूरा गीला गीला है क्योंकि यहाँ पे बारिश होता रहता है थोड़ा टाइम बाद। क्या हो गया? गीला गीला हो गया, एकदम पानी पानी हो गया। सो धीरे धीरे जाना पड़ेगा, और मेरा शूज का तो आप लोगों को पता ही है। नीचे जाते समय तो ठीक है, लेकिन ऊपर आते समय थोड़ा फटेगा, ऊपर आने के समय फटेगा क्योंकि सीढ़ियों में सीढ़ी से आना पड़ेगा ऊपर, और अभी नीचे उतर रहे हैं। सो नीचे चलते हैं, उसके बाद व्यू वगैरह दिखाते हैं वाटरफॉल का। ओके, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं वाटरफॉल के सामने। ओह माय गॉड, क्या व्यू है गाइस, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। कैसा लगा देख के वाटरफॉल, कैसा लगा? ओह गॉड, मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा हूँ इतना बड़ा वाटरफॉल। सो आप लोग भी देखिए। ओके, और इस तरफ रिवर है, ये रिवर, उधर से भी एक रिवर आ रहा है, उधर से एक रिवर आ रहा है, और इधर से वाटरफॉल का पानी गिर रहा है। क्या लग रहा है भाई साहब, ओह गॉड, अलग ही नजारा है, अलग ही नजारा है भाई।
सो गाइस वाटरफॉल से आ गया ऊपर, मतलब थोड़ा वॉक करके आया ना सीढ़ियों में से, तो थोड़ा सांस फूल रहा है। सो अभी चलते हैं सेला पास की तरफ। बहुत स्टीफ है भाई, एक नंबर गियर में लगा के जाना पड़ेगा। चलो आगे जाके मिलते। ये जंग वाटरफॉल का रोड है और हम लोग आने के टाइम नीचे से आया था, और ये है तावांग का सेलापास का रोड, और ये है तावांग का रोड। ये पे लिखा होगा इको गेस्ट फॉरेस्ट ऐसा कुछ लिखा है, और नूरानांग वाटरफॉल्स भी बैनर लगा हुआ है, सो आप लोग आराम से जा सकते हो। सेलापास से आते हो तो इधर से आने से आपको राइट साइड में रोड मिलेगा, और अगर तावांग से आते हो तो नीचे से आके उधर स्ट्रेट रोड मिलेगा, मिल जाएगा। अभी फिर से नेशनल हाईवे पे आ गए। अभी थोड़ा रोड अच्छा है, आगे थोड़ा बहुत खराब है। अभी सीधा रुकने का प्लान है सेलापास, या तो उससे आगे थोड़ा आगे। एक बार पहाड़ का व्यू देखे तो, पहाड़ पत्थर को काट के रोड बनाया, कितना खतरनाक लग रहा है भाई। वो देख जगदीश उधर से गया, खतरनाक भाई खतरनाक। देखो ये पूरा पत्थर का था, पूरा काटा है, काट के बनाया। इस सब जगह में ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, इस टाइप का जगह में। ओ भाई स्नो गिरा है रास्ते में, कल तो यहाँ पे स्नो नहीं था। देखिए ये व्हाइट व्हाइट हो गया रखा ना, ये पूरा स्नो है, शायद सुबह सुबह गिरे हो गए क्योंकि कल रात को बारिश हुआ था ना। इसका देखिए पूरा व्हाइट होकर रखा है, ये सब स्नो है, फ्रेश स्नो गिरा था रात को शायद। सेला पास में स्नो नहीं मिलने से अच्छा है, कि स्नो मिलने से बाइक बहुत स्किड करते हैं। देखिए लोग बोल रहे हैं कि आई से थोड़ा संभल के जाने के लिए, नहीं तो गिर जाएगा फिसल के। अगर ऐसे मैं आज जमा हो रखा था ना, इसके लिए वो लोगों ने, लोकल है वो लोगों ने बोला स्लो जाओ, धीरे धीरे जाओ, आराम से, गिरने का चांस ज़्यादा रहता है ना इसके लिए। क्योंकि धूप होता तो पिघल के चला जाता, लेकिन छांव में तो पिघल भी नहीं सकता ना, इसके चलते ज़्यादा रिस्की होता है। पूरा ब्लैक है जैसे ना नहीं मैं धीरे ही था, पता नहीं ब्लैक आइज रखा है ना। हाँ এখানে লাগছে হলো বরফ হয়ে গেছে
ओ बाल तो जावे पर ये बोरन है तो गाइस गिर गया था, मतलब ये जो आइस थोड़ा थोड़ा आइस है लेकिन ये सब पूरा ब्लैक आइस बन चुका है, पता नहीं आगे क्या होगा गाइस। हर हर महादेव, जय भले, रक्षा करना। जैसे लेके आ गया था घर से वैसे ही घर पे भेज देना। जय श्री राम। चलो लेट्स गो, देखते हर हर महादेव, कृपा करना। चलिए ज्यादा स्पीड में नहीं था, दो नंबर गियर में उठा रहा हूं, नीचे से स्टीफ है, राइडिंग पेन लेना पड़ेगा भाई एक।